स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दिस इज द इलेवेंथ लेक्चर ऑफ जे एम एन टी लेक्चर सीरीज इन दिस लेक्चर वी विल कंप्लीट आई यूनिक एक्सटेंशन थियोरम इन इन दिस लेक्चर वी विल डिसकस सेकेंड पार्ट ऑफ यूनिक एक्सटेंशन थियोरम फर्स्ट पार्ट इज़ दिस हम फर्स्ट पार्ट में हम ये प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर नंबर टेन में हम भी प्रूव कर चुके हैं कि यूनिक्सटेंशन थियोरम क्या होती है उसकी स्टेटमेंट और उसका फर्स्ट पार्ट हम इसमें सॉल्व कर चुके हैं ठीक है अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट ठीक है फर्स्ट पार्ट हम यहाँ तक कर चुके हैं हम सेकेंड पार्ट इसका प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट आर बी अ रिंग अगर आर कोई रिंग है एंड म्यू वन एंड म्यू टू आर मेजर ऑन सिग्मा रिंग और जो म्यू वन है और म्यू टू है वो क्या है सिग्मा रिंग है जी आर पे जी आर हमारा क्या है सिग्मा रिंग देन जो म्यू वन ई किसके इक्वल होगा म्यू टू e ई के फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू आर ठीक है ये इसका फर्स्ट पार्ट है इसको हम सॉल्व कर चुके हैं अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे वो क्या है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यू आई टू आर जो हमारी रिस्ट्रिक्शन है यू आई टू आर इज सिग्मा फाइनाइट वो क्या होती है सिग्मा फाइनाइट देन म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ऑन जी आर हम ये वाला सेकेंड पार्ट इसको जो हमारा सेकेंड पार्ट है हम इसको प्रूफ करेंगे ठीक है बच्चों लेट्स स्टार्ट इट ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ये हमने सॉल्व किया है ये आपको लेक्चर नंबर टेन में जो लेक्चर टेन है उसमें मिल जाएगा ठीक है तो अब सेकेंड पार्ट हम प्रूफ करेंगे इन सेकेंड केस इन सेकेंड केस ठीक है फर्स्ट केस को हम पूरा कर चुके हैं तो अब हम सेकेंड केस डिस्कस करेंगे वो कह रहा है पहले अब आप क्या करें नाउ कंसीडर द जर्नल केस अब आप क्या करेंगे नाउ आप जर्नल केस कंसीडर करेंगे कंसीडर द जर्नल केस जर्नल जर्नल केस अब आप आपने क्या किया जर्नल केस को कंसीडर किया और वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि इफ अगर ई e बिलोंग कर रहा है जी आर में से अगर ई e किस में से बिलोंग कर रहा है जी आर में से और जी आर हमारा क्या है हमको पता है जो जी आर है वो हमारे सिग्मा रिंग है ठीक है क्या है वो हमारा सिग्मा रिंग ठीक है देन वी हैव टू शो न वी हैव देन वी हैव टू शो दैट हमने ई e को क्या कर लिया ई e को हमने सिगमारिंग यानी जी आर में से क्या कर लिया कंटेन कर रहा है ठीक है हमें क्या शो करना है हमको शो करना है हमें सेकेंड कंडीशन क्या थी कि म्यू वन ई जो म्यू वन ई है वो किसके है म्यू टू ई के ठीक है बच्चों अच्छा अब आपको डेफिनेशन uh, पता है आपको रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन पता है हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस की डेफिनेशन होती है हमारा सेकेंड पार्ट क्या है द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर इज़ अ सिग्मा फाइनाइट देन म्यू वन इक्वल्स टू म्यू टू ओन जी आर ठीक है अब हमें इसके पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए ठीक है तो पहले हम क्या करेंगे डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ठीक है बच्चों हमको क्या पढ़ना चाहिए डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट सिग्मा ये क्या कह रहा है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू आई टू आर सिग्मा फाइनाइट ठीक है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिग्मा फाइनाइट होता क्या है ठीक है डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फाइनाइट लिखते हैं कि मेजर ऑन म्यू मेजर ऑन म्यू ऑन म्यू ऑन म्यू ऑन अ रिंग आर अ मेजर ऑन म्यू ऑन अ रिंग आर आर क्या है हमारी रिंग है और म्यू हमारा क्या है मेजर है ठीक है इज़ सैट टू बी इज सैड टू बी इज सैट टू बी सिग्मा फाइनाइट उसको आप क्या कहेंगे सिग्मा फाइनाइट कहेंगे बच्चे जब इफ़ इफ फोर इफ फोर गिवेन गिवेन ई e क्या करे बच्चे ई e किस में से बिलोंग करे आर में से ठीक है जो म्यू है वो हमारा क्या है मेजर है और आर हमारा क्या है रिंग है तो हम क्या कहेंगे उसको हम सिग्मा फाइनाइट तब कहेंगे बच्चे फॉर इफ फॉर गिवेन ई बिलोंग्स टू आर अगर ई e कोई एलिमेंट है किसका आर का ठीक है देन देयर एग्जिस्ट तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर जाए देन देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस अगर ई e बिलोंग कर रहा है आर में बच्चे तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन ई एन इन आर किस में एग्जिस्ट करेगी आर में और आर हमारा क्या है रिंग रिंग कि सच दैट सच दैट सच दैट कि हमारी जो ई है बच्चे ई किसका सबसेट हो जाएगा ई इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन ठीक है एक तो वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन एंड एंड म्यू ऑफ ई एन म्यू ऑफ इ एन इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एन ठीक है बच्चा दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फाइनाइट ये क्या कह रही है ये ये कह रही है हमको कि कि म्यू हमारा क्या है म्यू मेजर है म्यू क्या है बच्चे मेजर है ऑन अ रिंग आर ऑन रिंग आर इज सेट टू बी अ सिग्मा फाइनाइट उसको सिग्मा फाइनाइट तब कहेंगे ठीक है इफ़ फॉर गिवन ई बिलोंग अगर कोई ई e, अगर कोई ई बिलोंग कर है आर में तो उसकी एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी ई एन इन आर में सच दैट कि वो क्या हो जो ई है इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एंड इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ई एन एंड म्यू ऑफ ई एन इज़ लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फाइनाइट ठीक है हमको यहाँ प्रूव करना है कि द रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू टू आर इज सिग्मा फाइनाइट ठीक है तो इसलिए हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है क्लियर है यहाँ तक आप सबको यहाँ तक क्लियर है बच्चों अब हमको एक थ्योरम भी पता है हमको क्या थ्योरम पता है कि ईच ईच इन ईच इन जी आर इन जी आर इज काउंटेबल इज इज ईच जीआर ईच इन जी आर इज कंटेन जो जी आर होता है बच्चे जो जी आर है कंटेन इन जी आर कंटेन जी आर कंटेन इन अ काउंटेबल यूनियन इन अ अउंटेबल इन अउंटेबल यूनियन इन अ काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट इन आर की जो जी आर है बच्चे वो क्या है काउंटेबल बहुत सारी की क्या उस सेट्स uh, को कंटेन करता है ठीक है क्लियर है यहाँ तक ये हमारी थ्योरम है यह आपको लर्न करनी पड़ेगी पर इसमें सेकेंड पार्ट को प्रूव करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्मा फाइनाइट आपको सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चलो सॉल्व करते हैं इसे क्या कह रहा है ये कह रहा है सिग्मा फाइनाइट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ म्यू ऑफ एफ ठीक है यहाँ पे क्या कह रहा है जो द रिस्ट्रिक्शन ऑफ यू आई टू आर इज सिग्मा फाइनाइट ठीक है क्या कह रहा है ये सिग्मा सिग्मा फाइनाइट फाइनाइट जो sigma finite है बच्चे ठीक है क्या बच्चा कि सिग्मा फाइनाइट सिग्मा फाइनाइट सिग्मा फाइनाइट इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ यू ऑफ एफ ठीक है जो सिग्मा फाइनाइट है वो रिस्ट्रिक्शन है म्यू ऑफ एफ का देन अगर ये सिग्मा फाइनाइट रिस्ट्रिक्शन है म्यू ऑफ एफ का देन देन देयर एग्जिस्ट ये कहना है ना देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस तो एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस एफ ऑफ एन इन अ सेट की सेट में एक ऐसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी इन अ सेट्स इन आर ठीक है ठीक है बच्चा अगर जो म्यू ऑफ एफ है बच्चे वो सिग्मा फाइनाइट अगर वो क्या है सिग्मा फाइनाइट है तो सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन क्या होती है देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ऑफ एफ एफओन इन इन सेट इन आर सो दैट कि सो दैट क्या होगा बच्चे क्या डेफिनेशन है कि ई इज़ अ सबसेट ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन ठीक है एफ ऑफ एन सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एंड जो म्यू ऑफ एफ है म्यू ऑफ एफ इज लेस देन इन्फिनिटी फॉर ऑल एंड हमने कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे जो सिग्मा फाइनाइट की डेफिनेशन को लिख दिया ठीक है अब आप क्या करेंगे अब आपकी जो यहाँ एफ ओ फैन है बच्चे वो क्या है किस टाइप की सीक्वेंस है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ठीक है एफओ फैन एफ ओ फैन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग जो एफओ फ बच्चे वो क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई आपको पता नहीं अगर इसका सबसेट होता तो हम कहते हैं कि जो एफ ओ फेन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई ठीक है अगर एफ ओ फेन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई है ठीक है एंड जो एफ ओ फेन अगर एफ ओ फैन का हम इंटरसेक्शन कर देते हैं ई e के साथ इज ऑल्सो इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो वो भी क्या हो जाएगी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी हु? क्या हो जाएगी वो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस ठीक है चलिए अब हमें पता है हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस को कैसे लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं कि अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर एफ ऑफ फेन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम ऐसे लिखेंगे यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनीटी एफ ओ फेन इज इक्वल्स टू ई ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ फेन इज़ इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई e. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि एफ ऑफ एन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ ई तो उसका मतलब ये होता है ना कि यूनियन एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन इक्वल्स टू ई अब हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई भी क्या है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है हुँ। हम क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ एंड इंटरसेक्शन ई भी क्या है एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप ऑब्वियसली इसको भी लिख सकते हैं एंड अगर आप इसको ऐसे लिख एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इज इंक्रीज इज इक्वल्स टू ई ठीक है वो भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई e की ठीक e है चलिए अब देखिए अगर एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई e की ठीक e है e की, then, अगर एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ई की देन अगर इसमें हम म्यू अप्लाई कर दें म्यू ऑफ एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन ई भी क्या हो जाएगा इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ हम ऐसे लिख सकते सकते हैं. हैं, ठीक है? इसको monotone define कर ना? कि अगर F of N, अगर होती है ई e, की तो हम लिखते हैं कि म्यू ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ म्यू ऑफ ई ठीक है अब देखो अब हमें प्रूफ क्या करना है नाउ We prove. हम क्या प्रूफ करना है हमें Now we prove. क्या Now we prove कि mu e, जो है e है वो किसके इक्वल e के ठीक है हमने ये प्रूफ करना है ठीक है इसको प्रूफ करने के लिए क्या है अगर ये हमें प्रूफ करना है तो इट इज सफिशियंट टू प्रूफ दैट क्या होगा ये हमारा प्रूफ करना सफिशियंट होगा Then it is, it's, sufficient to prove that sufficient to prove that sufficient to prove that prove that kya ki mu1 f of n intersection e is equals to mu2 f of n intersection e ke theek hai for all n ठीक है अगर हमें ये prove करना है तो हमको ये prove करना पड़ेगा ठीक है अब हमें रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन पता है रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन कहती है क्या होती है रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन कि इफ म्यू ऑफ एफ म्यू ऑफ एफ इज रिस्ट्रिक्शन 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 ऑफ म्यू अगर म्यू ऑफ एफ रिस्ट्रिक्शन है म्यू का बाय फिक्स्ड सेट बाय

अगर म्यू ऑफ एफ रिस्ट्रिक्शन है म्यू का और एफ़ यहाँ पे कोई फिक्स सेट है तो म्यू ऑफ एफ को हम क्या कहते हैं बच्चे हम कहते हैं कि म्यू ऑफ एफ इज मेज़रेबल म्यू ऑफ एफ क्या है मेज़र है ऑन आर म्यू ऑफ एफ मेजर ऑन होगा ऑन आर पे इफ़ कि अगर वो क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि म्यू ऑफ एफ क्या हो लेस देन इन्फिनिटी देन हम क्या कहेंगे देन वी से कि म्यू एफ इज फाइनाइट म्यू ऑफ़ एफ क्या है एक फाइनाइट मेजर ठीक है हमारी ये थ्योरम है कि म्यू ऑफ एफ अगर रिस्ट्रिक्शन हो म्यू का और एफ हमारा कोई फिक्स सेट हो आ, आर का और म्यू ऑफ एफ क्या होगा देन जो म्यू ऑफ एफ होगा मेजर होगा आर पे इफ़ क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि म्यू ऑफ एफ लेस देन इन्फिनिटी हो देन तो म्यू ऑफ एफ क्या होगा फाइनाइट मेजर होगा ठीक है क्लियर है यहां तक ये हमारी क्या है दिस इज आर थ्योरम ये हमारी थ्योरम है और ये हमारी डेफिनेशन इस डेफिनेशन के बिना आपका ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ठीक है क्लियर है यहां तक बच्चों हाँ बच्चा देखो अब हम स्टार्टिंग में म्यूवन एंड म्यूटूको का फाइनाइट मेजर लेके चले ना उन जी पे ठीक है तो यहाँ पे हम म्यू वन एंड म्यूटू को फाइनाइट मेजर लेके चले हैं तो हम कैसे लिखेंगे अब हमने पहले यहाँ पे लेट किया है कि म्यू वन म्यू आई इज फाइनाइट मेजर म्यू आई इज फाइनाइट मेजर हमने फर्स्टली हमने यही लेट किया था कि म्यू आई हमारा क्या है फाइनाइट मेजर ऑन मेजर ऑन जी आर पे ठीक है जी आर पे देन क्या होगा कि म्यू वन एफ ऑफ फेन किसके इक्वल होगा म्यू टू एफ ऑफ एन के इक्वल होगा ठीक है ये क्या है हमारी रिस्ट्रिक्शन कि म्यू वन इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एफ ऑफ एन ठीक है ये दोनों इक्वल होंगे ठीक है अच्छा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर म्यू वन एफ म्यू वन एफ एन इक्वल है म्यू टू एफ एन के और म्यू वन म्यू टू क्या है यहाँ पे फाइनाइट मेजर है ठीक है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि म्यू म्यू वन म्यू वन एफ ऑफ एन ऑफ ई म्यू ऑफ एफ ऑफ एन ऑफ ई इज इक्वस टू म्यू टू एफ ऑफ एन ऑफ़ ई लिख सकते हैं इसको इक्वल ठीक है उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं और ई e हमारा क्या था ई इज इक्वस टू कि म्यू वन एफ ऑफ एन इज इक्वल टू ई किसके इक्वल था एफ एन इंटरसेक्शन ई के इक्वल था ठीक है हमने प्रूफ किया था कि एफ ऑफ एन इंटरसेक्शन इज इक्वल टू ई ठीक है और ये किसके इक्वल था सिमिलरली ये भी हो जाएगा कि म्यू टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ओ फेन इंटरसेक्शन के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल एन तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि म्यू इज़ टू म्यू टू ई के इक्वल हो जाएगा ठीक है एफ ओ फेन से एफ ओ फेन कैंसिल हो जाएगा ना तो ऐसे लिख देंगे बाय द बोथ पार्ट बाय द बोथ पार्ट पार्ट जो हमने फर्स्ट केस प्रूफ किया और सेकंड केस प्रूफ किया दो पार्ट प्रूफ किए ना पार्ट ए इज मोनोटोनिक इज़ मोनोटोन ए क्या है हमारा मोनोटोन क्लास ए हमारा क्या है मोनोटोन क्लास ठीक है तो आप क्या कह सकते हैं जो जी आर है जी आर इज सबसेट ऑफ ए वियर ए इज इक्वल्स टू जी आर ठीक है व्यम म्यू वन इज इक्व टू म्यू टू ऑन जिया हैंड्स प्रूव्ड तो हमारी ये जो यूनिक यूनिकनेक्स यूनिक एक्सटेंशन थ्योरम है वो क्या है प्रूव हो चुकी है टू पार्ट्स में है ये वीडियो और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरम है पेपर में आई हुई है स्टेट एंड प्रूफ सीधा आती है थियोरम सिक्सटीन मार्क्स की आती है ठीक है तो थैंक यू सो मच